हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है बॉन्टी बार्स। बच्चों को बॉन्टी बार्स बहुत पसंद होते हैं, तो आज की रेसिपी आपके बच्चों के लिए ही है। तो आज थोड़ा हटकर बॉन्टी बार्स बनाएंगे। आज हम इसमें चॉप ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वीडियो को। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी चूल्हे का फ्लेम ऑन नहीं किया है, फ्लेम ऑफ में ही सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं 1.5 कप नारियल का बुरादा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप कच्ची जो नारियल होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर 1/2 कप मतलब 1/2 कप मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर ऐड करने से हमारे बॉन्टी बॉल्स का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। जितना मैंने बुरादा ऐड किया था उसका 1/2 मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। मतलब मैंने 1.5 कप बुरादा लिया था तो मैं यहाँ पर 2/3 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम चूल्हे का फ्लेम ऑन करेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं पहले से ही इलायची और चीनी को साथ में पीस कर रख लेती हूँ, क्योंकि अकेला इलायची अच्छी तरीके से पिसता नहीं है। अब मैं फ्लेम ऑन कर ले रही हूँ और सारी चीज़ों को सिर्फ 1/2 मिनट के लिए भून ले रही हूँ। ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, अगर हम ज़्यादा भूनते हैं तो चीनी पिघलना शुरू हो जाएगा, जो कि अभी हमें नहीं करना है। तो 1/2 मिनट के आसपास हो गया है। अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। पहले मैं यहाँ पर 1 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसकी मेज़रमेंट है 240 ml। आप यहाँ पर गर्म ठंडा दोनों दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर 1 कप दूध और ले रही हूँ और आप देख सकते हो मैंने थोड़ा दूध और ऐड किया है। 1/4 कप दूध मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ, इससे ज़्यादा हमें दूध ऐड नहीं करना है। अब सभी को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। एक बात का ध्यान देना है, हमें इसे रेगुलर मिलाते रहना है। अगर आप रेगुलर नहीं मिलाते हो तो हमारा जो बॉन्टी बॉल्स का मिक्सचर है वो कढ़ाई में सट जाएगा। तो आपको इसे रेगुलर मिलाते रहना है। आप एक बार देख लो दोबारा में, मैंने 1 कप दूध लिया था उसमें से मैंने कितना इस्तेमाल किया और कितना दूध बच रहा है। फिर से मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, आप ठंडा या फिर गर्म दूध दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। मैंने जो दूध इस्तेमाल किया है वो गर्म दूध है, क्योंकि मैंने अभी दूध को गर्म किया था। हम जो बॉन्टी बॉल्स का मिक्सचर बना रहे हैं उसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाना है। हम अगर इसे ज़्यादा पकाते हैं तो जो हमारा नारियल का बुरादा है वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा और फिर इसमें नारियल का बुरादा का अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसे 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आप हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसे रखते हो तो 4 मिनट बहुत काफ़ी है इसे एक डो के फॉर्म में आने में। तो मेरा जो बॉन्टी बॉल्स का मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ करके इसे कढ़ाई में ही फैला करके छोड़ देंगे, ताकि जो अभी भी हल्की फल्की नमी है वो सूख जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही फैला करके छोड़ देंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे हाथों से गोला बना करके देख लेती हूँ कि परफेक्ट है कि नहीं। अगर ये परफेक्ट नहीं रहेगा तो मैं फिर से फ्लेम ऑन करके इसे थोड़ी देर के लिए चला लूँगी। बट आप देख सकते हो हमारा जो मिक्सचर है वो परफेक्ट है, इसका एक गोला बन रहा है। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा और इसे ठंडा कर लेना, उसके बाद हम इसे बॉन्टी बॉल्स का सेप देंगे। 10 से 15 मिनट तक ये ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें बॉन्टी बॉल्स कैसे बनाना है। मैं आपको जो सेप बनाकर दिखा रही हूँ आप इस तरीके से भी बना सकते हो, या फिर आप अपने मन चाहे सेप में भी इसे बना सकते हो। बहुत हार्ड नहीं है, बस हाथों पे फैलाना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी करना है। बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है, और खाने में तो पूछिए ही मत, बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए इसी तरीके से मैं सारा बना लेती हूँ।
मैंने सारे बॉन्टी बॉल्स बना लिए हैं। अब आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। अब हमें इस बॉन्टी बॉल्स को फ्रीज में रखना है ताकि जब हम इस बॉल को चॉकलेट में डीप करें तो वो सॉफ्ट होकर के टूटे ना। तो अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज में रखेंगे ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा बॉन्टी बॉल सेट हो चुका है। अगर अब हम इसे चॉकलेट में डीप करेंगे तो ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, ये थोड़ा पहले से हार्ड हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। अब मैं यहाँ पर चॉकलेट कंपाउंड ले रही हूँ। आज मैं वाइट और ब्राउन दोनों तरह के बॉन्टी बॉल्स बनाऊंगी। तो मैं सबसे पहले आपको वाइट दिखा दे रही हूँ। ये चॉकलेट कंपाउंड है, थोड़ी कम प्राइस में मिल जाता है। ये आपको ऑफलाइन भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी आप इसे परचेस कर सकते हो। अगर आप ये परचेज नहीं करना चाहते हो तो मिल्की बार या फिर और भी वाइट चॉकलेट्स आते हैं वो आप लेकर के इसे बना सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको ब्राउन चॉकलेट दिखा रही हूँ। ये भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। आप ये नहीं लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर डेरी मिल्क या फिर और कोई ब्राउन चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैंने आपको दोनों चॉकलेट्स दिखाया, वो थोड़े प्राइस में कम होते हैं। तो आप अगर रेगुलर चॉकलेट का इस्तेमाल करते हो तो आप परचेस कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। मैंने दोनों चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं ताकि जब मैं इसे मेल्ट करूँ तो ये आसानी से पिघल जाए और जल्दी पिघल जाए। आप इसे डबल बॉयलर प्रोसेस से मेल्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई और मेथड पता है तो आप उससे भी इसे मेल्ट कर सकते हो। तो मैं इसे पहले मेल्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मैं यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। दो तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं। मैंने बारीक काट लिया है काजू को और बिल्कुल बारीक काट लिया है आलमंड्स को। तो आज मैं जो वॉन्टी बॉल्स बनाऊंगी उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करूंगी। आप इन दोनों में कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो या फिर आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स पसंद है जैसे पिस्ता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। अब मैं इसमें चॉप्ड आलमंड्स ऐड करूंगी। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसमें मैं बॉन्टी बॉल्स के बार ऐड करूंगी। बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। दो कांटे का चम्मच ले लो और उसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हो। तो मैंने आपको एक करके दिखा दिया, एक और करके मैं आप लोग को बता दे रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। मैंने सारे बॉन्टी बॉल्स को चॉकलेट में डीप कर लिया है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। वैसे इसे रेस्ट करने तो नहीं देना चाहिए क्योंकि जब चॉकलेट मेल्ट होता है तो वापस से बहुत जल्दी हार्ड होने लगता है। फिर भी 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे फ्रिज में रख सकते हो या फिर फ्रिज के बाहर भी छोड़ दोगे तभी ये हार्ड हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने व्हाइट वाले चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसमें अपने वॉन्टी बॉल्स को डीप कर लेंगे। मैंने व्हाइट चॉकलेट को भी मेल्ट कर लिया है और जो मैंने काजू को बारीक चॉप किया था उसे इसमें ऐड कर दे रही हूँ। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ और वही प्रोसेस को दोबारा दोहराऊंगी जो मैंने डार्क चॉकलेट के साथ किया था। तो उसी तरीके से कांटे की चम्मच की सहायता से हम अपने बार्स को चॉकलेट में ऐड करेंगे और वापस निकाल लेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आप जब बॉन्टी बॉल्स को चॉकलेट में डीप करोगे तो उसे वापस जब निकालोगे तो उसे किसी पेपर पर रखना, किसी भी प्लेट पर मत रखना। अगर प्लेट का इस्तेमाल करते हो तो बाद में जो बॉन्टी बॉल्स है वो अपने शेप में नहीं निकलेगा, वो टूट जाएगा। तो आप किसी पेपर का इस्तेमाल करना उसे रखने के लिए या फिर आप किसी प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने दोनों बॉन्टी बॉल्स को रेडी कर लिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देती हूँ ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। हमारा 10 मिनट हो चुका है। अब मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ कि पेपर पर जो बॉन्टी बॉल्स रखा हुआ है वो कितनी आसानी से निकल जाएगा। आप देख सकते हो ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल पैकेट का जो बॉन्टी बॉल्स होता है उसकी तरह देखने में ये लग रहा है। देख सकते हो ये कितना सुंदर देखने में लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। तो मैं सारे बॉन्टी बॉल्स को रिमूव कर लेती हूँ।
अब जो हमारा बॉन्टी बॉल्स का साइड है वो थोड़ा बिगड़ गया है, तो अब मैं क्या करूँगी, किसी नाइफ की सहायता से इसकी जो साइड्स है उसे निकाल लूँगी, ताकि जो हमारा बॉन्टी बॉल्स का शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी करना है, ज़्यादा जल्दी में नहीं करना है वरना हमारा बॉन्टी बॉल्स पहले ही टूट जाएगा, हम इसे परफेक्ट शेप में नहीं खा पाएंगे। तो बिल्कुल धीरे धीरे करना है और बिल्कुल सावधानी से करना है ताकि ये टूटे ना। तो देखिए हमारे सारे बॉन्टी बॉल्स बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ चुके हैं और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। आपको भी लग रहा है ना कि आप भी इसे टेस्ट करो। तो मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ऊपर से बिल्कुल हार्ड रहेगा और जब आप इसे तोड़ोगे तो अंदर से कोकोनट का बिल्कुल सॉफ्ट सा फ्लेवर आएगा, जो हम आइसक्रीम खाते हैं ना चॉकलेट वाले, बिल्कुल उसी की तरह है। ऊपर से हार्ड और अंदर जब तोड़ोगे तो सॉफ्ट सॉफ्ट सी आइसक्रीम निकलेगी, लेकिन जब मैं इसे तोड़ रही हूँ तो अंदर से कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करना है। बहुत आसान है, सिर्फ 3-4 चीज़ें आपके पास रहेगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। आप इसे एक और तरीके से भी बना सकते हो। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, वो वीडियो भी मैं आप लोग के लिए पक्का से अपलोड करूँगी, क्योंकि वो तरीका और भी ज़्यादा आसान है, सिर्फ 2 या 3 चीज़ों से वो भी बहुत परफेक्ट बन जाएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का से लिखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक बिना किए हुए कहीं मत जाना, तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। ऐसी ही इजी और सिंपल रेसिपी के लिए मेरे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और साइड में जो क्यूट सा बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल कर लेना। तो मिलती हूँ एक और ऐसी ही सिंपल रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।